नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, इस इकाई का आगे हम दो भाग में दो वीडियो में उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम उसके तीसरे भाग के रूप में उसकी चर्चा करते हैं, तो वो है इस प्रकार। व्यक्ति चित सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार विस्तृत होते गए, लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर व्यक्ति चित सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं होता। एक शब्द आया है चित। चित का मतलब होता है मन, और आदर्श आदर्श यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा अच्छा जीवन जी जाता है तो उसकी जो जीवन जीने की जो कला थी, जो ढब थी, जो पद्धति थी, उसको हम अपने जीवन में अनुकरण के रूप में उसके जैसा जीवन हम जीने लगे, यानी कि उसका अनुकरण करने लगे, तो उसे आदर्श कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति चित और आदर्श द्वारा चालित नहीं है, सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं है, यानी कि ये आदर्शों पर आधारित जीवन उसका जीवन नहीं चलता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। यहाँ पर पैमाने का अर्थ होता है मापदंड, और उन्नति शब्द का मतलब होता है विकास। विधान यानी कि नियम, जो हम नियम बनाते हैं उस नियम, और ये जो लोभ मोह ये क्या है तो कि विकार। विकार शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी हमें समझना चाहिए। विकार यानी कि कोई चीज वस्तु उसके आकार में, रंग में, रूप में, और कोई व्यक्ति होता है तो उसके स्वभाव में जो परिवर्तन आता है, उसका स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाता है, वस्तु के रंग रूप आकार में जो परिवर्तन आ जाता है, और ये उपयोग करने योग्य नहीं रहती वो चीज़, उसे विकार कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये क्या है, ये हमारे शारीरिक विकार हैं। शारीरिक विकार और आंतरिक विकार भी होते हैं, तो ये हमारा जो आंतरिक विकार है, ये जो विकार के जो तत्व है, तो इन विकारों से विस्तृत होते गए, जैसे यहाँ पर कहा गया है लक्ष्य की बात भूल गए, यानी कि लक्ष्य की बात तो बाजू पर ही, गुजराती भाषा में आप कहिए तो लक्ष्मी जी आप ध्येय छे, लक्ष्य यानी कि ध्येय, जहाँ आपने अमुक जगह पहुँचवानू छे के अमुक वस्तु ने अपने हासिल करवू छे, प्राप्त करवू छे, तो एनु ध्येय ये एक बाजू पर रही गयू एवं कहवाय। आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया गया। यहाँ पर क्या कहा गया है, आदर्श को मजाक यानी कि हंसी मजाक का विषय बनाया गया है, और संयम यानी कि कंट्रोल करना, गुजराती भाषा में आपने कहिए तो अपना अंदर जे इंद्रियो छे, ये इंद्रियो ने अपने काबू में राखी छे, एने शू कहवाय संयम। संयम को दक्यानुषी मान लिया गया, यानी कि पुराने ख्याल वाला। यहाँ पर दक्यानुषी शब्द आया है तो उसका अर्थ, उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या होता है तो कि पुराने, ये जो पुराने ख्याल वाला, ऐसा दक्यानुषी शब्द का अर्थ होता है। तो इनको आदर्श को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुषी यानी कि पुराने ख्याल वाला मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, यानी कि जो होना था परिणाम वो तो अभी हो
ही रहा है या कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। यानी कि थोड़े कुछ लोगों में ये जो बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, ये दकियानुषी को संयम को दकियानुषी मान लिया गया, आदर्श को मजाक मान लिया गया, ये थोड़े बहुत लोगों में लोभ का नतीजा यानी कि लोभ नतीजा यानी कि परिणाम यानु परिणाम छे, गुजराती भाषा में आपणे कहीए तो यानु परिणाम छे। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट और महान उपयोगी दिखाई देने लगे। लेकिन इससे भारतवर्ष यानी कि भारत ना जे पुराना आदर्श छे ये अधिक स्पष्ट थई रह्या छे, महान और उपयोगी निवड़ी रह्या छे एवं कहेवाय। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यहाँ पर यह कहा गया है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में मानता है, यानी कि भारत देश, ये जो भारत देश है हमारा भारत देश, ये सदा यानी कि हमेशा के लिए कानून यानी कि ये जो कायदा कानून बनाए गए हैं उसको धर्म के रूप में मानता है, धर्म के रूप में देखता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर किया गया है, यानी कि हम एक रुपये का सिक्का है, उसकी दो पहलू होते हैं, दो बाजुएँ होती हैं, उसी तरह धर्म और कानून दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को एक मान लिया जाता था, लेकिन आज दोनों में अंतर हो गया है, काफ़ी अंतर दिखाई देने लगता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, यानी कि धर्म ये जो हम हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म उसमें जो तत्व है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन जो कायदे कानून बनाए गए हैं हमारे लिए उसको धोखा दिया जा सकता है, उसको लोग धोखा दे रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि आनु एज कारण है कि लोगों धर्म भीरु यानी कि धर्म थी डरे छे, धर्म छे एनाथी डरे छे, एनाथी एना डरने कारण वे कायदा जे कानून नियम बनाया छे ये नियमनी खामीओनो लाभ उठावामां पण ए संकोच अनुभवता नथी। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने रहे हुए हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, वो भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। पर्याप्त यानी कि प्रमाण या मात्रा, पर्याप्त यानी कि मात्रा और प्रमाण यानी कि साबिती, प्रमाण यानी कि साबिती सबूत के रूप में खोजे जा सकते हैं। इस बात की मात्रा प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, वो भीतर भीतर भारतवर्ष में अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है।
यानी कि धर्म को कानून से बड़ी चीज माना गया है, और जो कुछ होता रहा है भारतवर्ष में वो भीतर भीतर यानी कि अंदरों अंदर थई रही है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं, यानी कि ये जो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जे छे अपना देश नी अंदर, जे लोगों नी अंदर, ये अत्यारे पण मूल्यना रूप में ये छे, हजी पण हयात में छे, एवुं कहेवाय छे। यहाँ पर एक शब्द आया है आध्यात्मिकता, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसे आध्यात्मिकता कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध को आध्यात्मिकता कहते हैं। ईमानदारी यानी कि नेक भला जो इंसान होता है उसे ईमानदारी कहते हैं। कोई व्यक्ति में ये जो गुण होते हैं उसे भलाई का गुण होता है, नेकी का गुण होता है, उसे ईमानदारी कहते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, यानी कि इस चीज हमारे जीवन हमारे अंदर हैं लेकिन वो दब गए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी कि इस दुनिया में ये जो ईमानदारी का तत्व है, सच्चाई का तत्व है, सच्चाई भी छुपी हुई है, सेवा भी कई लोगों में है, लेकिन 100% में 95% हैं ये गुण जो हैं, और 5% लोगों में ये गुण हैं, और 95% लोगों में ये गुण नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि ये गुण दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। और ये जो झूठ बोलना, चोरी करना, उसे गलत समझता है मनुष्य, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना इसे पाप समझता है। महिलाओं का सम्मान भी करता है और मनुष्य को प्रेम भी करता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। यहाँ पर कहा गया है कि ये आदमी, हर आदमी यानी कि प्रत्येक आदमी झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना को पाप समझता है। हर एक आदमी में, हर एक इंसान में ये तत्व छिपा हुआ है और हर एक आदमी ये अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि ये जो हर एक समाचार पत्रों में भी भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश दिखाया जाता है, और ये बात साबित करता है कि ऐसी चीज़ों को गलत समझता है और समाज उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करने का चाहता है, और गलत तरीके से ये धन कमाया है, धन को संग्रह करते हैं, उसे गलत समझता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण से गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक शब्द आया है पर्दाफाश। पर्दाफाश यानी कि लोगों के सामने पेश करना, लोगों के सामने बता देना। आपने गुजराती भाषा में कहिए तो भांडो फोड़ी नाखो, कि थोड़ा घना लोगो होय एमनी सामे कोई एक गलत काम करियो होय तो ये व्यक्ति गलत काम करना व्यक्तिनी हाजरी में आपने बीजा लोगों सामे ये बात ने कही दईए छे, तो एने शू कहवाय छे पर्दाफाश। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण से गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन
को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि आचरण यानी कि चाल चलन, आचरण का मतलब क्या होता है, चाल चलन, और गलत पक्ष को उद्घाटित करना, यहाँ पर उद्घाटित करना यानी कि दूसरों के सामने पेश कर देना, दूसरों के सामने कह देना, और कहते समय उसमें रस लिया जाता है, और दोषोद्घाटन यानी कि दोष को पेश कर देना, किसी व्यक्ति के जो दोष है, खराब दुर्गुण है, उसको दूसरों के सामने कह देना, उसको एकमात्र कर्तव्य यानी कि एक कर्तव्य आपने मानी लिए छे, यूँ अहियाँ कहवाय छे। बुराई में रस लेना बुरी बात है, और अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर करना और भी बुरी बात है। यहाँ पर शुद्ध गुजराती भाषा में आपने कहिए तो कोई नहीं बुराई छे, ये बुराई में आपने एटलो बधो रस लईने बीजा व्यक्तियों की सामे आपने एने उजागर करिए यानी कि कही दईए छे, एने शू कहवाय छे, उजागर करना। तो जेटलो रस लईने आपने कोई नी बुराई बीजा व्यक्तियों सामे एने कहीए छे, एने शू कहवाय गुजराती भाषा में, तो कि गोदा करिए। तो एक बीजानी वात खराब वस्तु आपने बीजानी सामे पेश करिए छे, आपने कहीए छे, ये बुरी बात कहवाय, खराब बात कहवाय। एटली ज एना करता पण खराब बात ये छे कि आपणी जे अच्छाई छे, आपणा जे गुणों छे, ये आपणे खुद आपणे स्वयं बीजानी सामे आपणे एने कहीए छे, एने आपणे जे बुराई कहीए छे एना करता पण ये खराब वस्तु कहवाय। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, यानी कि सैकड़ों यानी कि हजारों घटनाएं एवी घटे छे कि ये घटनाओं ने अपने बीजाओं सामे लोक चित्त यानी कि लोगों ना मन में अच्छाई यानी कि सारो गुण लोगों में भावना जागे एवी घटनाओ पण हमारा जीवन में घटती होय छे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। यहाँ पर ये जो बताया गया है कि टिकट शब्द आया है, ये टिकट शब्द हिंदी में अब अगर हम देखते तो ये पुल्लिंग शब्द आया है, और इसी प्रकार रुपये का नोट ये भी पुल्लिंग शब्द है, रुपये का नोट, ये बहुवचन में रुपये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और नोट ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जब हम गुजराती में उसकी बात करें तो गुजराती भाषा में आपणे एवं कहेवाय टिकट, ये स्त्रीलिंग शब्द बनी जाय छे। एवी रीते सोनी नोट ये क्या हुआ, सोनी नोट यानी कि स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग लिंग बदलाई जाय छे। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ, यानी कि उपस्थित होना यानी कि हमारी सामे ये हाजर थाय छे, सेकंड क्लास यानी कि बीजा नंबर ना डब्बा नी अंदर ये गाड़ी अंदर हाजर थाय छे। उसने मुझे पहचान लिया और विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपया यानी कि 99 रुपये मेरे हाथ में दे दिए। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया, यानी कि उसके
चेहरे पर यानी कि मुख के मुख पर स्माइल विचित्र भाव पैदा हो गया और मैं भी आश्चर्य में रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई, यानी कि कैसे कह सकते हम कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी जैसे गुण है ही नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यानी कि ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन एक घटना ये भी हमारा जीवन में घटी जाए छे कि ये बड़ी घटनाओं ने डाबी दे छे, बड़ी घटनाओं ने भुलावी दे छे, ये भी शक्तिशाली घटना पर हमारा जीवन में थाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या निराश हुआ जाए इकाई का तीसरे भाग के रूप में यहाँ तक अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। अस्तु।